हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का किसी अन्य व्यक्ति से कोई भी डिस्प्यूट हो, कोई विवाद हो, कोई झगड़ा हो और वह उस अन्य व्यक्ति को कॉल करके धमकी दे या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चाहे इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या कॉलिंग करके उसे क्या है धमकी दे, तो ऐसे में उस धमकी देने वाले व्यक्ति पर आईपीसी के सेक्शन 507 के तहत मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने कॉलिंग करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से धमकी दी है। चाहे वह व्हाट्सएप से दे, इंस्टाग्राम से दे, फेसबुक से दे या फिर कॉल करके धमकी दे। अगर धमकी दे रहा है और कह रहा है कि मैं तुझे, जब तू सामने आएगा तुझे देख लूंगा, तुझे जान से मार दूंगा, तो दोस्तों आईपीसी के सेक्शन 507 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। अब मारने की धमकी दी है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, तो 507 के साथ साथ आईपीसी का सेक्शन 506 भी लगेगा। दोस्तों आईपीसी के सेक्शन 507 में यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर फोन के माध्यम से धमकी देता है, जान से मारने की धमकी देता है, तो ऐसे धमकी देने वाले व्यक्ति को आईपीसी के सेक्शन 507 के तहत दंडित किया जाता है। दोस्तों आईपीसी के सेक्शन 506 में यह बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को जान से मारने की धमकी दे तो ऐसे व्यक्ति पर 506 के तहत मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन वो कब फेस टू फेस, यानी कि दो व्यक्तियों का आपस में कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई झगड़ा हो गया, अब दोनों में हाथापाई हो गई, अब एक व्यक्ति कहता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, तो ये आईपीसी के सेक्शन 506 के तहत दंडित किया जाएगा। लेकिन जब किसी व्यक्ति को सोशल मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से धमकी दी जाती है, तब धमकी देने वाले व्यक्ति पर आईपीसी के सेक्शन 507 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति आईपीसी के सेक्शन 507 के तहत दोषी पाया जाता है, यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक यानी कि फोन के माध्यम से अगर किसी अन्य व्यक्ति को धमकी देता है, तो ऐसे व्यक्ति को आईपीसी के सेक्शन 507 के तहत 2 साल तक की जेल और जुर्माने से दंडित किया जाता है। दोस्तों यह जो ऑफेंस है यह नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, यानी कि यह बेलेबल होता है, इसमें जमानत मिल जाती है। ऐसे केस की अगर विचारण की बात करें दोस्तों, तो ऐसे केस का जो ट्रायल है वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में सुना जाता है। दोस्तों ऐसी और कानूनी जानकारियों के लिए प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।